ना, वो एक तरीका हो गया ज़कात अकबर के बाद वजीफ़ा आगे देने का, किसी भी काम के लिए, जो भी उसका तसर्रुफ़ है, जिस काम के लिए। तसर्रुफ़ भी एक काम का होता है, हर एक का नहीं होता। ज़कात अकबर के बाद, ये बात मैं आगे समझाता रहूँगा क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 हुए हैं और अभी 97 बाकी हैं, 96 बाकी हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके बड़े इम्तहान बाकी हैं, सो वील टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। बट दूसरा तरीका है बामोक्किल, यानी कि उसके पास बेसिकली मोक्किल है, हाजिर हो, जाहिर हो, गैब हो, बातिन हो, जो भी कह लो, उसके बाद मौक्किल है। उसने आँख बंद की, झटके में उसने कहा ये पढ़ लो, ख़त्म। इजाज़त उसने पीछे से ली, यानी कि वजीफ़ा बताया तो वो इजाज़त के साथ आता है वजीफ़ा, वरना बताते नहीं वो। यानी कि अगर मैंने आँख बंद करके, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, किसी ने पूछा जी ये पढ़ लो, 2 मिनट दें मुझे, मैं ऐसे बात करूँ, एक एग्ज़ाम्पल दें, 2 मिनट दें, ठीक है आप ये कर लें आँख बंद करके, इसका मतलब पीछे से इजाज़त ली गई है। ये नहीं कि इजाज़त, वो जब वजीफ़ा आ गया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, या मालिक को ही आ गया, या कुद्दूस आ गया, या शहीद आ गया, वो इजाज़त के साथ आता है। अमूमन जो है बामोक्किल उनको पढ़वाया जाता है जो तसर्रुफ़ और तारुफ की तरफ जा रहे होते हैं, आम फहम दुनियावी मामलात के लिए सिर्फ ज़कात अकबर के वज़ाइफ़ पढ़वाए जाते हैं। ये नुक्ता है नोट करने का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आम तौर से जो ज़कात अकबर के वज़ाइफ़ हैं वो पढ़वाए जाते हैं, बामोक्किल उनको पढ़वाया जाता है जो हमें पता होता है कि यस, एक आमिल को पता, मुझे नहीं पता, एक आमिल को पता है, साहिब इल्म को पता है कि एग्जैक्टली कौन सा वजीफ़ा कहाँ बैठेगा, किस तरह चढ़ेगा, कितने बजे बैठेगा, कितने बजे उठेगा। वो ये भी बता देगा आमिल जो पढ़वा रहा है कि इस वक्त पूरे अंधेरे में नहीं बैठे हुए तुम, और ये मिसालें मेरे साथ कई